नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आजाद एग्रीकल्चर कोचिंग कानपुर की तरफ से मैं राधेश्याम तिवारी। जैसा कि पता है, रसायन विज्ञान की कल क्लास हुई थी और आज भी बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया भी था 5 क्वेश्चन जो आते हैं भौतिकी रसायन से आते हैं, 10 क्वेश्चन कार्बनिक रसायन से आते हैं और 10 क्वेश्चन अकार्बनिक रसायन से आते हैं। जो 5 क्वेश्चन आते हैं उन पर हम 3 से 4 से या 5 क्लासों में इनको हम पूरा करेंगे, 10 से 12 क्लासों में इनको और 10 से 12 क्लासों में इनको। लगभग एवरेज रहेगा 20 से 25 क्लासों का, जो रसायन विज्ञान क्रम रसायन विज्ञान आपकी पूर्णता हो जाएगी। आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो काफी क्वेश्चन बना सकता है। छोटा टॉपिक कभी कभी ऐसा होता है, पेपर हम कठिन से कठिन पढ़ के जाते हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे बाउंस मार जाता है, इसलिए छोटा और बड़ा दोनों क्वेश्चन साथ में लेते चलेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, एक नोट्स अच्छा सा बनाते रहना और जिसको भी पीडीएफ चाहिए रसायन विज्ञान की, जो वन लाइनर क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को देता हूं, उसमें से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे 50 क्वेश्चन पर डे मांग सकते हैं। 63 87 52 98 46 इस नंबर पर आप 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है मैं पर डे देता हूँ, संडे 30 क्वेश्चन का मैं टेस्ट भी लेता हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब पदार्थों में, या हम कह सकते हैं जिन पदार्थों का रंग रूप आकार कुछ समय के लिए ही बदलता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि भौतिक परिवर्तन होता है, स्थायी होता है या अस्थायी होता है, तो हम क्या बताएंगे, अस्थायी होता है, अर्थात कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे ही मध्यांश का भाग, जो मध्य का भाग है, हटा लेने पर वह पदार्थ पुरानी अवस्था में चला जाता है, वो क्या रहता है, भौतिक परिवर्तन। ऐसे ना क्वेश्चन पूछे, अगर ऐसे पूछ दे बताइए शरबत का बनना कैसा परिवर्तन है, तो किस पे टिक मारोगे, भौतिक परिवर्तन। ये ना पूछे, ये पूछ दे बल्ब का जलना, या प्लेटिनम के तार का गर्म होना, ये सब कैसे परिवर्तन है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। शरबत का बनना, बल्ब का जलना, प्लेटिनम के तार का गर्म करना, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे बल्ब लाइट आ रही है, लाइट चली जाने पर बल्ब जलता हुआ बल्ब बुझ जाता है, अपने पुराने अवस्था में आ जाता है। पंखा का चलना, जैसे लाइट चली जाए पंखा क्या होता है, अपने अवस्था में आ जाता है, ये सब कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये अस्थायी है, तो रासायनिक परिवर्तन कैसा हो जाएगा, स्थायी होगा। पेपर में आएगा कि रासायनिक परिवर्तन होता है स्थायी अस्थायी, स्थायी अस्थायी दोनों या दोनों नहीं, तो किस पे टिक मारोगे, स्थायी पे टिक मारोगे। अर्थात हम कह सकते हैं जीव पदार्थ जिनका रंग रूप आकार हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए, वो सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपसे पूछ देगा फलों का पकड़ना कैसा परिवर्तन है, भौतिक की रासायनिक, तो आप किस पे टिक मारोगे, रासायनिक पे। फलों का पकड़ना ईंधन का जलना, और ज्यादातर ये पूछता है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर, अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर कोई लोहा है उस पर जंग लग जाती है उसका भार घटेगा या बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखना उसका भार बढ़ेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। एक और उदाहरण देख लो, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये सब कैसे परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, और कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है।
नोट कर लो। चलिए यहीं पर एक और दो तीन टिप्पणियां दे देते हैं छोटी छोटी, जो पेपर हम कभी कभी घुमा के पूछ देता है। प्रतीक क्या होता है? तो किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह जो होता है जो उस तत्व के किसको प्रदर्शित करे, परमाणु को प्रदर्शित करे। बस क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रतीक जो प्रदर्शित करता है अणु को या परमाणु को, तो किसको प्रदर्शित करता है, जो परमाणु को प्रदर्शित करता है वो प्रतीक कहलाता है। तो प्रतीक किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो परमाणु को। जैसे 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 सोडियम का प्रतीक किसको प्रदर्शित कर रहा है, Na को। जैसे सोडियम का प्रतीक होता है Na, उसी प्रकार कैल्शियम का Ca होता है। जैसे सोडियम का Na, कैल्शियम Ca, ये सब होते हैं हमारे प्रतीक। और सूत्र अणु सूत्र, सूत्र अगला है सूत्र या अणु सूत्र। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर सूत्र पूछे या सूत्र, जो अणु को प्रदर्शित करे उसे सूत्र कहते हैं या अणु सूत्र कहते हैं, जो अणु को प्रदर्शित करे। लेकिन जबकि हमने कहा जा जो परमाणु को प्रदर्शित करे उसे प्रतीक कहते हैं, जो अणु को प्रदर्शित करे उसे अणु सूत्र या सूत्र कहते हैं। जैसे जल, जैसे जल, जल में क्या होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र अणु सूत्र हो जाएगा। नोट कर लो। और यहीं पर देख लेते हैं संयोजकता। संयोजकता ऐसे पेपर में आएगा कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है या उत्पातन कहलाती है या यौगिक कहलाती है या मिश्रण कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, संयोजकता। फिर से सुनो, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है संयोजकता कहलाती है। जैसे ये पूछेगा मेथेन में कार्बन की संयोजकता है तो कितनी है, चार। कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, चार है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग कर रही है। अर्थात ये भी दिमाग में सेट कर लो, जब IUPAC पद्धति पढ़ाएंगे या कार्बनिक रसायन जैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें मैं बार बार बताऊंगा कार्बन की संयोजकता चार होती है। क्योंकि जब बताएंगे बंध जो होते हैं एकल बंध द्विबंध त्रिबंध के द्वारा, जब कार्बन की संयोजकता हम चार प्रस्तुत कराएंगे या पूर्ण कराएंगे उसमें आपको बार बार मैं बताऊंगा। तो आप लोग ये भी सेट कर लो, एक लाइन में क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि कार्बन की संयोजकता होती है 2, 3, 4, 5, तो कितनी होती है, तो याद रखना कार्बन की संयोजकता होती है हमेशा चार होती है। अब देखिए अगर आयन आयन की दृष्टि से पूछे संयोजकता के प्रकार तो होते हैं हमारे दो, और अगर पूछ दे केवल संयोजकता के प्रकार तो होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है धनात्मक संयोजकता। देखो नाम से ही पता चल रहा है जिन आयनों के ऊपर जितने धनात्मक आयन होंगे या मूलक होंगे वो सब होती है धनात्मक संयोजकता। जैसे हमने कहा सोडियम के ऊपर एक है तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, एक, और कैसे भी धनात्मक। और जैसे दूसरा पूछ दे कैल्शियम की संयोजकता है तो दो है, लेकिन ये पूछ देता है धनात्मक की ऋणात्मक तो कैसी हो जाएगी, धनात्मक, वो भी कितनी, दो हो जाएगी। अब दूसरा यहीं पर ये पूछ देता है ऋणात्मक संयोजकता, अब देखिये
जिस जितने आयनों पर ऋण आवेश होंगे या मूलक होंगे वही होती है ऋणात्मक संयोजकता। जैसे हमने कहा क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर एक है तो हमारी कितनी होगी क्लोरीन की संयोजकता, एक हुई। और कितने हैं, एक आयन है तो कितनी हुई, एक हो भी, कैसी हुई, ऋणात्मक हुई। अब सल्फेट, सल्फेट में SO4 माइनस माइनस, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, दो, कैसी हुई, ऋणात्मक, कितनी हुई, दो ऋणात्मक हुई। अगर यहीं पर फास्फोरस पूछ दे PO4 और इस पर कितने, एक दो तीन, तीन हो गए, कैसे हुए, ऋणात्मक हुई, और कितनी है, तीन है, ये नोट कर लो। चलिए अगला टॉपिक मैं संयोजकता के जो तीन प्रकार हमने बताए उस पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करूंगा अगली क्लास में। धन्यवाद।